मजा आ गया भाई, आज तो मजा आ गया। सीक्रेट टनल के अंदर आ गया मैं भाई, बिल्कुल मजा आ रहा है इधर। अबे भाई साहब, ये नोबड़ा सीक्रेट टनल के अंदर कैसे गया? ये सीक्रेट टनल है कहाँ पर भाई? मुझे भी जाना है इसके अंदर। सीक्रेट टनल के अंदर मैं कैसे जाऊँ? इसका रास्ता तो भाई किसी को पता नहीं है, ये तो सीक्रेट टनल है ना। फिर भी कुछ भी करके मैं आज तो कैसे भी सीक्रेट टनल के अंदर जाके रहूंगा भाई, कैसे भी कोई नहीं रोक सकता। आज तो मैं जाके रहूंगा सीक्रेट टनल के अंदर। पर भाई मैं ऐसा करूँ क्या जिससे मैं सीक्रेट टनल के अंदर जा पाऊँ? ऐसा कौन है जो हमको सीक्रेट टनल के अंदर जाने में हेल्प करेगा भाई? ऐसा कोई नहीं है हमारा दोस्त। अरे एक दोस्त है, पर भाई वो क्या हेल्प करेगा? मेरे को नहीं लगता वो कुछ हेल्प भी करने वाला है हमारी इस मामले में। कुछ मेरे को और आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे कि मैं सीक्रेट टनल के अंदर जा पाऊँ। पहले तो मेरे को लोकेशन पता करनी पड़ेगी उसकी, सीक्रेट टनल है कहाँ पर। एक बार मैं उसको कॉल करके देखता हूँ भाई, कुछ हेल्प कर दे तो भाई मजा ही आ जाएगा, मेरा दोस्त भी तो है वो। पहले तो जल्दी से स्विमिंग पूल के बाहर निकलते हैं, बहुत देर नहा लिया, जल्दी से बाहर निकलते हैं। अब उसको कॉल करते हैं जल्दी से, मुझे नहीं लगता वो हमारी कुछ हेल्प भी करने वाला है, तो भी एक बार कॉल करके देख लेते हैं। अबे कॉल उठा रहे जल्दी से। अबे ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा भाई, उठाना। अबे कल वे क्या हो गया, सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहा है? अबे मेरी बात सुन, मेरे को सीक्रेट टनल के अंदर जाना है भाई, मेरे को कुछ बताना। अबे कौन सी सीक्रेट टनल? अबे तूने न्यूज नहीं देखी क्या? न्यूज वाला बता रहा था उसी टनल में जाना है मेरे को भी। अबे हाँ हाँ पता चल गया, तू मेरे घर पे आ जा, मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूंगा। क्या घर पे आना पड़ेगा? अबे घर पे क्यों आऊँ, यही बता मेरे को तो। अबे कल वे नहीं सुना है नहीं क्या भाई? मेरे घर पे आ जा, मैं बता दूंगा तेरे को। अबे मैं नहीं आऊंगा तेरे घर पे, मेरे को तो यहीं पर बता। अबे कल वे कॉल पे नहीं बता सकता, सीक्रेट है बिल्कुल ही। अबे बता देना यार। बे काट दिया फोन भाई साहब, इसके घर पे जाके आता हूँ भाई अभी मैं। मेरे पास एक तो गाड़ी नहीं है और उसके घर पे अलग जाना है। पहले तो मेरे को कोई गाड़ी चुरानी पड़ेगी ढंग की, तो यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है, बुगाटी जा रही है, तो इसी को चुरा लेते हैं भाई साहब। हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी दे दो। ए कल वे भग जा, तेरे को गाड़ी नहीं मिलने वाली है। अबे भाई साहब इसने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, अब तो मैं भाई इससे गाड़ी लेके रहूंगा भाई, छीन लूंगा अब तो। चल बेटे अब तो निकल भाई, तू अब निकल जा गाड़ी के अंदर से, निकल जा भाई। नहीं निकलेगा भाई, इसको तोक के निकालना पड़ेगा मेरे को। मैंने इसे ढंग से बोला भाई, इसको समझ में नहीं आ रही, इसको गाड़ी चुरानी पड़ेगी। तो चलो भाई, तो गाड़ी तो मेरे पास आ गई है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त के पास चलते हैं। तो उस नोबड़े का घर भाई विलेज के अंदर है, भाई विलेज के अंदर रहता है। बाय द वे गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ तो गाइस आपने 2K कंप्लीट करवा दिया बहुत ही ज्यादा जल्द, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। बाकी हम चलते हैं उस नोबड़े दोस्त के घर पे, उसका घर विलेज के अंदर है भाई, वो पता नहीं क्या क्या जानता है, सीक्रेट टनल के बारे में भी उसको पता है। तो भाई आज उसकी हेल्प से हम जाने वाले हैं सीक्रेट टनल के अंदर। एक तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा दिनों बाद जा रहा हूँ विलेज के अंदर, तो भाई वो मेरा काफी ज्यादा पुराना दोस्त है, तो वैसे वो आता रहता है सिटी में मेरे को मिलने। पर अभी मेरे को उसका घर ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले मैं घर भी भूल गया उसका, तो अभी वो शायद से ही होगा घर में, तो भाई यहाँ पर बाहर ही ढूंढेंगे उसको भाई, किधर तो मिल ही जाएगा। मैं वैसे उसको शक्ल से पहचानता हूँ, इधर ही घूम रहा होगा, बेरोजगार आदमी है एक नंबर का भाई, कुछ काम धंधा नहीं है, बस घूमता रहता है गांव में। कहाँ पर गया वो मेरे को तो नहीं दिख रहा है भाई। मैंने जहाँ तक देखा उसका सामने वाला हाउस से भाई लड़की खड़ी है, पता नहीं कौन सी, पर यहाँ पर वो नहीं खड़ा है, वो कहाँ पर गया? थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। अबे कल भाई साहब बड़ा जल्दी आ गया तू। अबे ये कौन बोल रहा है? अबे ये तो सामने रहा भाई, मिल गया मेरे को। अबे मेरे को बता सीक्रेट टनल के अंदर कैसे जाना है? कल भाई साहब इतनी क्या जल्दी है भाई, रुक 2 मिनट बातचीत करते हैं, मैं बताता हूँ तेरे को। अबे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से बता मेरे को सीक्रेट टनल के अंदर जाना कैसे। अबे शांत रहे, बता रहा हूँ, जल्दी बताना भाई, कितनी देर इंतजार कराएगा? ठीक है कलवे, तो मेरी बात सुन, तेरे को जाना है बीच पे। बीच पे? अबे भाई बीच पे क्यों जाना है? अबे ज्यादा बकवास मत कर मेरे से भाई, जो बोल रहा हूँ वो कर ले चुपचाप। ठीक है, बीच पे जाने के बाद क्या करना है? बीच पे जाने के बाद बीच के पास जो समुन्द्र है, उसके समुन्द्र के अंदर तेरे को जाना है, और तेरे को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, पर तू वहाँ पर सिर्फ ट्रेन को ही ड्राइव कर पाएगा सीक्रेट टनल के अंदर। ठीक है समझ गया, और भी कुछ बताना हो तो जल्दी से बता मेरे को। और एक सबसे बड़ी बात, वो तेरे सबसे ज्यादा काम आएगी सीक्रेट टनल के अंदर जाने में। अबे हाँ हाँ जल्दी बता। अबे वो मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, वो मैं क्यों बताऊं तेरे को, मेरे को क्या मिल रहा है? अबे भूल गया, तू मेरा बचपन का दोस्त है भाई, बताना। नहीं नहीं तेरे को ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। तो फिर कैसे बताएगा भाई? तू मेरे को गोल्डन लैम्बोर्गिनी ला के देगा तो मैं आगे की जानकारी तेरे को बता दूंगा, मेरे को गोल्डन लैम्बोर्गिनी चाहिए। अबे भाई साहब लैम्बोर्गिनी, वो भी गोल्डन वाली, कहाँ से लाऊं? तो भाई चलते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लूंगा मैं। अरे भाई बता देना क्या करेगा गोल्डन लैम्बोर्गिनी का।
अरे कलवे ऐसे नहीं, मेरे को गोल्डन लैम्बोर्गिनी लाके देगा तभी बताऊंगा। अबे यार भाई, इसको भी गोल्डन लैम्बोर्गिनी लाके देनी पड़ेगी। तो चलो भाई गोल्डन लैम्बोर्गिनी लाके देते हैं इसको। पर मैं गोल्डन लैम्बोर्गिनी कहाँ से लाऊं भाई, मैं खुद दूसरों की गाड़ियां चोरी कर करके चला रहा हूँ, इसको गोल्डन लैम्बोर्गिनी चाहिए। चलो भाई इसको भी चुरा के ही देते हैं। भाई यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी दिख रही है मेरे को, आगे एक लैम्बोर्गिनी दिख रही है, इसको ही चुराते हैं। पर ये गोल्डन कलर की नहीं है, उसने बोला था कि मेरे को गोल्डन लैम्बोर्गिनी चाहिए। भाई कुछ नहीं भाई, मैं चूना लगा दूंगा उसको भाई, कलर करके दे देते हैं, गोल्डन ऑरेंज कलर करके दे देंगे इसको। तो उससे क्या ही पता चलेगा भाई, ऑरेंज कलर करके पकड़ा देंगे भाई, निकल जाएंगे उससे भाई। सबसे पहले तो इन भाई साहब से गाड़ी को छीनते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी तो मैंने ले ली है, तो जल्दी इसको गोल्डन कलर की कर देते हैं यहाँ पर साइड में पार्क करके। तो यहाँ पर जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर इसको ऑरेंज कलर कर दिया है मैंने, तो ये गोल्डन लैम्बोर्गिनी हो गई हमारी सस्ती वाली। तो इसी लैम्बोर्गिनी को मैं देने वाला हूँ उससे भाई, उसको क्या ही पता चलेगा गोल्डन लैम्बोर्गिनी है या ऐसे कलर कर रखा है। तो जल्दी से उसको देके आते हैं, उसके बाद हमको सीक्रेट टनल के अंदर भी जाना है। वो रहा सामने भाई, उसको देके आते हैं। अबे भाई साहब कल वे बड़ी जल्दी लिया है तू लैम्बोर्गिनी, और भाई इसके कलर भाई गोल्डन कलर, अबे मेरे को थोड़ी अलग दिख रही है ये। अबे नहीं यार भाई, सही वाली लैम्बोर्गिनी लेके आया हूँ मैं, देख भाई शोरूम से लेके आया हूँ, नई नई तेरे लिए। क्या बात कर रहा है, नई लाया, मेरे को नहीं दिख रहा है नई भी है। अबे वो सब छोड़, तू बता भाई क्या भाई बाकी की इंफॉर्मेशन दे मेरे को। अबे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने सब तेरे को बता दिया, मैंने तो ऐसे ही बोला लैम्बोर्गिनी लाने को और तू सच में ले आया, मैं तेरे को पागल बना रहा था क्या। अबे भाई क्या दिमाग खराब हो गया भाई तेरा, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। तो जल्दी से चलते हैं सबसे पहले बीच पे भाई, मेरे को जल्दी से जाना है सीक्रेट टनल पे। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ बीच पे, और यहाँ पर सामने तालाब भी है, तालाब नहीं समुद्र है। तो समुद्र के अंदर उसने जाने के बोला था, तो समुद्र के अंदर ही चलते है सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। तो उस नुबड़े ने बोला था कि चले जाना है, तो कितना जाए और। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते हैं थोड़ा और, भाई आ ही जाएगी कभी तो भाई हमको सीक्रेट टनल दिखेगी क्या होगा। तो भाई मैं उसकी बात मानकर आ तो गया, पर क्या होने वाला है वो मेरे को भी नहीं पता है। अगर मेरे को कोई सीक्रेट टनल नहीं मिली तो भाई सबसे पहले मैं उसको बहुत जोर से मारूंगा, मिल जाए तो भाई काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं भाई, कितना और जाना पड़ेगा, इतना तो आ गया मैं, इतने आए तो भाई थोड़ा और चलते हैं। भाई साहब किधर जाएंगे, ऐसा नहीं हो भाई मैं मर जाऊं। अबे भाई ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर तो मेरे भाई अलग ही दुनिया आ गई। अबे मैं गिर रहा हूँ भाई, मैं कहाँ पर हूँ भाई, मैं गिर जाऊंगा भाई, ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये कहाँ पर आ गया मैं। यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है भाई, ये ट्रेन कहाँ पर जा रही है भाई, काफी ज्यादा जोरों से ट्रेन चल रही है यहाँ पर भाई साहब। अबे ये तो शायद हमारी इंडियन बैकस्टाइंग 3D वाली ट्रेन है भाई, ये इतनी जोर से कहाँ पर जा रही है। इसका भी कलर चेंज हो गया है भाई, उसने बोला था तू भी चेंज हो जाएगा और भाई पूरी सिटी भी चेंज हो जाएगी, तो भाई ऐसा ही हो रहा है। तो भाई कोई सीक्रेट टनल नहीं दिखाई दे रही मेरे को। अबे कुछ सामने कुछ है, सामने भाई टनल ही है शायद से, भाई मैं टनल के अंदर जा रहा हूँ। हमारी ट्रेन भाई कितनी ज्यादा स्पीड में चल रही है भाई साहब। तो उस नोबड़े ने सही बोला था, हम टनल के अंदर तो आ गए हैं भाई साहब। इधर देखो भाई, यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर बाहर निकल गए हम टनल से, यहाँ पर बहुत सारी पटरियां हैं और हमारी ट्रेन भाई पटरी से उतर गई है। अबे ये किधर खाई में गिर रही है, अबे आज हम नहीं बचने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं शायद से। हमारी ट्रेन कहाँ पर जा रही है भाई साहब, हमारी ट्रेन, और भाई हमको भाई कितनी लगी होगी भाई, देखने पड़ेंगे अभी। हमारी ट्रेन इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि भाई ये ट्रेन पटरी से उतर गई सीधा भाई, इतनी ज्यादा स्पीड में ट्रेन ये चल रही थी। हम यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकल के देखते हैं हमको चोट वगैरह तो नहीं लगी है। तो मैं तो बिल्कुल ही सेफ हूँ यहाँ पर, मेरे को लगी नहीं है। पर भाई मैं इतना दुबला पतला कैसे हो गया भाई, मैं तो अच्छा था, मैं तो रोज जिम जाता था, हमारी इतनी दिनों की मेहनत भाई बर्बाद हो गई सब। इतने दिन में जिम गया और भाई मेरी बॉडी एक दिन में गायब हो गई। तो वहां से बहुत देर बाद मेरे को एक साइकिल मिली और साइकिल लेके मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पुलिस भी है, अबे ये ऐसा कौन सा वर्ड है, यहाँ पर पुलिस वगैरह सब कुछ है भाई साहब। इन पुलिस को भाई कुछ क्राइम वगैरह करके देखते हैं, एक भी बार मैं जेल नहीं गया, जेल कैसी होती है मैंने एक भी बार जेल नहीं देखी है। तो भाई इन पुलिस वालों को मारते हैं शायद हमको जेल में ले जाए। तो यहाँ पर एक दो पुलिस वाले हैं, तो इनको ही कूटते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक स्टार लग गया है, तो जल्दी से इनको मारते हैं भाई साहब। यहाँ पर गन पड़ी है, गन को उठाते हैं सबसे पहले। अबे हाथ ऊंचे कर लो सबके भाई, एंड साहब अबे क्या एक ने भी हाथ ऊंचे नहीं किए भाई। चलो भाई निकलो यहाँ से, चलो निकलो भाई, चल निकल निकल भाई नुबड़े निकल यहाँ से। भाई साहब यहाँ पर इस सिटी के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा डॉन बन गया हूँ, यहाँ पर काफी ज्यादा क्राइम कर रहा हूँ। यहाँ पर भाई ट्रैफिक भी भाई इतना ज्यादा लगा दिया है मैंने। तो मैं पुलिस की बाइक लेके ही निकल गया हूँ यहाँ से, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं पुलिस वालों की बाइक लेके ही
निकल गया। तो सामने की साइड पुलिस है तो इनको चलते इन्हीं को मारते हैं। मेरे को भाई जेल के अंदर ले चलो, मैं अपने इंडियन बाइक डिजाइन 3D की जिंदगी में भाई एक भी बार जेल में नहीं गया हूँ, मेरे को अभी जेल में ले चलो भाई, मैं कौन सी सिटी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ के पुलिस मेरे को एक नंबर पागल लग रहे हैं भाई, पता नहीं कोई भी आके भाई अपने इन लोगों को मार रहा है और ये भाई साहब मेरे को जेल के अंदर भी नहीं ले जा रहे हैं। तो थोड़े और क्राइम करते हैं यहाँ पर भाई, कैसे नहीं ले जा रहे मेरे को जेल पे भाई, इन लड़की को मारते हैं। अबे चल निकल यहाँ से, इसको देखो भाई तू कहाँ पर ऊपर चढ़ रहा है, चल भाई। अबे भाई इसने बंदूक निकाल दी, अबे भाई मेरे सामने बंदूक निकालेगा भाई, डंडा है मेरे पास, डंडे से पीट दिया। पुलिस आ गई भाई, इस पुलिस को भी मजा चकाना पड़ेगा, हट जा पुलिस वाले। अबे तू क्यों कूद रहा है बीच में भाई, ये एक बंदा भाई अलग ही कूद रहा है बीच में भाई, इसको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ भाई ऐसे ही। यहाँ पर एक और पुलिस वाला आ गया है बाइक को लेके, तो इसको भी मारना पड़ेगा जल्दी से भाई, निकल जाए ऐसे, चल हट भाई साहब। ये भी नो बड़ाई पुलिस वाला लगता है मेरे को भाई, इसने हेलमेट तो ऐसे पहन रखा है जैसे भाई यही बड़ा वाला पुलिस वाला हो, पर कुछ नहीं कर पाया हमारे, इसके मुंह पे ला दे रहा हूँ मैं। इस सिटी के अंदर आने के बाद भाई हम बहुत ही ज्यादा बड़े गुंडे बन गए हैं भाई साहब, अब सब कुछ डर रहे हैं हमसे भाई। पुलिस वाला गोली चला रहा है, भाई गोली कैसे चला रहा है, चलट। मेरे को इस सिटी का पुलिस स्टेशन देखना है और ये लोग मेरे को भाई जेल के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर कहीं नहीं ले जा रहे हैं। तो थोड़े और भाई बड़े बड़े क्राइम करता हूँ मैं, और कितने बड़े क्राइम करूँ, यहाँ पर 15-20 लोगों को तो मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी, और पुलिस वाले को गाड़ियां वगैरह सब कुछ तोड़ दिया मैंने, तो भी ये नहीं पकड़ रहे हैं, और भी गाड़ियां आ रही है पुलिस वालों की। तो इसको तो बंदूक से मारूंगा मैं, बंदूक भी नहीं है अभी मेरे पास, डंडा ही है सिर्फ, बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। अबे रुक जा, अबे ये पीछे पीछे क्यों जा रहा है, भाग क्यों रहा है, चल भाई हट यहां से। अबे भाई मेरा कैरेक्टर भाई पागल हो गया है मेरे को लग रहा है। तो गाइस यहां पर इतने ज्यादा क्राइम करने के बाद भी कोई पुलिस मेरे को पकड़ के नहीं ले जा रही है, तो मैं पुलिस के गाड़ी के अंदर ही बैठ गया, पुलिस मेरे को आएगी और पकड़ के ले जाएगी। ठीक है यहां पर हमारा बस्टेड हो गया और भाई पुलिस हमको बाहर निकाल रही है भाई, गाड़ी से बाहर निकालने के बाद हम यहां पर कहां पर आ गए, अब पे ये क्या है, मेरे को अंदर ले चलो। क्या भाई इतने ज्यादा क्राइम करने के बाद इन्होंने मेरे को जेल के अंदर नहीं डाला, अब पे ये शायद से पुलिस स्टेशन लगता है मेरे को, यहाँ पर पुलिस वगैरह घूम रहे हैं। हाँ तो गाइस ये पुलिस स्टेशन ही है, तो इतना ज्यादा बड़ा पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पर बंदूक पड़ी है भाई साहब, फिर से बंदूक मिल गई और भाई इतनी बड़ी बंदूक है, इस बार फिर से तबाही मचा देंगे हम। चल निकल भाई, गोलियां चला रहा है मेरे सामने भाई साहब, छोटी सी बंदूक से गोली चला रहा है भाई मेरे पास, देख शॉटगन है, शॉटगन है या कौन सी गन है इसका नाम मेरे को नहीं पता है, पर भाई इन वाले भाई कितने ज्यादा पुलिस वाले आ गए भाई, इस बार महंगा पड़ गया थोड़ा हमको। अबे यार छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को, जाने दो भाई, मैं अपनी सिटी में जा रहा हूँ वापिस, छोड़ दो भाई मेरे से गलती हो गई, आज के बाद नहीं आऊंगा तुम्हारी सिटी में। मैंने इनके बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया भाई, अब मेरी चड्डी फाड़ेंगे। हाँ तो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।